मुझे लगता है कि नई योजना अपनाने का वक्त आ गया है। मेरा मकसद दुनिया के उन लोगों को डराकर सदमे में लाना है जो वॉच कार से प्यार करते हैं। ये कैसी गंध है? हाँ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? तो क्या ये वॉच कार केंद्र है? क्या मैडी यहाँ मिल सकता है? मैडी? मैडी मेरा दोस्त है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते, मैं मैडी की छोटी बहन हूँ, जूली। क्या? बहन? दोस्तों, इससे मिलो, मेरी इकलौती बहन जूली। हेलो। चलो दोस्ती करते हैं जूली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते दोस्तों, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हे, क्या ये वही अजीब सी लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? हा? वो जो एक सुअर की तरह खाती है और एक भालू की तरह दिन भर सोती है। मेरा मतलब, ये कैसे मुमकिन है? फिर भी मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? या सिर्फ मैं हूँ जो सबसे सुशील है, ये सभी जानते हैं। अच्छा ठीक है। ओ मेरी वीर, तुम वाकई में सबसे खूबसूरत लड़के हो। और सैम तो एक फिल्म अभिनेता की तरह लगता है, कसम से। मैडी, तुम किस तरह की कहानियाँ सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं बोल सकता, कभी नहीं, सच में। ओ हाँ, वैसे मेरी टिंकी की एक नई खूबी है जिसे मैं यहाँ दिखाने आई हूँ। चलो इसे अभी दिखाती हूँ। तुम तैयार हो? ये देखो। जूली बंद करो, ये तुम पूरी जगह को गंदा कर रही हो। पर ये मुझे नहीं पता इसे कैसे रोकूं। अरे बच्चों, मैंने यहाँ कुछ जोर की आवाज़ सुनी। ये क्या है? इतनी बदबू! आह, मेरे हाथ, पता नहीं सफाई में और कितना वक्त लगेगा। ओ मेरे वीर, तुम कितने मस्त हो, इतने अच्छे रहना कैसे मुमकिन है? देखो सच कहूँ तो ये कुछ नहीं है। सच तो ये है कि ये सब वॉच कार से तालमेल बैठाने पर है, और मैं और ब्लूविल मजबूत है तो ठीक से कर लेते हैं। अरे तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, तुम्हें दिखता नहीं हम बात कर रहे हैं। तुम आलसी हो, सफाई करने दो। वैसे बेहतर होगा कि तुम लोग बातें बंद करके सफाई कर लो। क्या सफाई? सफाई तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, सही में। पोछे को पानी में भिगोना सफाई नहीं है, इसे फिर से करो। इतना पखेड़ा मत करो, सिर्फ सफाई ही तो है। सच में तुम बहुत बुरी हो। क्या तुम्हारा मतलब मैं बुरी हूँ? हाँ जो भी है, मैं साफ कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वीर। ठीक है। बिद्दी कहेंगी। ये कैसी बदबू है? वो क्या है वहाँ? अच्छा तो सबने अच्छे से सफाई कर ली है। मैंने कुछ बिस्किट बनाए हैं, क्या तुम खाओगे? अरे वाह, क्या ये सच में तुमने खुद बनाए हैं? बिल्कुल मैंने बनाए हैं, और कौन बनाएगा? ये लो, एक खा कर देखो। तुम सबसे अच्छी बहन हो सच में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है। ये पूरा जला है, सिर्फ मेरा ही वाला पूरा क्यों जला है? बुरा हुआ, मुझसे गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन ये जल गया, माफ करना। तुमने ये जानबूझकर किया, सिर्फ यही है जो पूरा जला है। कहने का मतलब क्या है? चलो आयशा को एक नया दे दो, ठीक है? बिल्कुल नहीं। बाकी मैंने खासकर वीर के लिए बनाया है, और इसे कोई नहीं ले सकता। वीर, मैं तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करती हूँ, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाए हैं। ओह, ये तो स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या किया तुमने? बिस्किट खा रही हो और क्या? तुमने सारा अकेले ही
दिखा लिया। बेवकूफ मोटी लड़की। क्या बेवकूफ मोटी? एक बार फिर बोल के दिखाओ। बिना कुछ सोचे समझे सारा खा गई। मोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुसीबत में पड़ना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये वॉच कार युद्ध में खत्म होगा। अरे तुम क्या कर रही हो? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। क्यों तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? आयशा से माफ़ी मांगो अभी इसी वक्त। अरे मैडी थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुम अभी माफ़ी मांगती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अपने उदार और कोमल दिल से। जी नहीं, क्या तुम हार मान रही हो? तो तुम ये चाहती हो? कोशिश करके देखो। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। उम्मीद है तुमने भी तैयारी कर ली होगी। तो ये लो। अब मजा चखो। लव लव मिसाइल आक्रमण। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। स्टिकी बबल मिसाइल। तुम्हें क्या लगता है स्टिकी मिसाइल काम की है? तो ये हमला झेलो। आक्रमण। टिंकी लड़ते रहो। टिंकी चॉप अटैक। सोना क्या तुम ठीक हो? तुम ताकत में टिंकी को नहीं हरा सकती हो। ताकत ही सब कुछ नहीं है। लव लव बीम आक्रमण। ये किस तरीके का हमला है? इसकी अनुमति है? क्या अनुमति? तुम्हारा ये चिपचिपा बदबूदार गोंद तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम जितनी बुरी दिखती हो वैसी आदतें भी है। मैंने तुम्हें जाने दिया, मुझसे माफ़ी मांगो जूली, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। देखो कौन किसे सिखा रहा है। क्यों ना मुझे आजमाओ। मैं तुम्हें हल्के में ले रही थी क्योंकि तुम मैडी की बहन हो, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? अरे अरे तुम दोनों बंद करो ये सब। छोड़ दो मुझे। ये सब पहले शुरू किया था उसने। नहीं, पहले तुमने शुरू किया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो अच्छा खेल रही थी। जूली इसे खत्म करो अभी। बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं, तुम्हें पता होगा। तुम किसकी तरफ हो? मैंने कहा ना शुरुआत उसने की थी। तुम आयशा को ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। क्या क्या मैं शर्मिंदा कर रही हूँ? सच में तुम मुझे डांट रहे हो और मैं शर्मिंदा कर रही हूँ? और मेरी भावनाओं का क्या? अब मैं सच में बहुत उदास हूँ। तुमने गलती की तो तुम क्यों उदास हो? तुम्हारी वजह से अपने दोस्तों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर मैंने सच में तुम्हें शर्मिंदा किया है तो तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ओ वापस आओ जूली। ये कितनी जल्दी बुरा मान जाती है। मैडी, मैंने जो भी किया उस वक्त वो गलत था। नहीं नहीं, मुझे भी माफ कर दो बहन। लेकिन जूली तुम जानती हो ना, तुम आयशा पर ज्यादा गुस्सा कर रही थी है ना? अब आगे से ऐसे बर्ताव मत करना, ठीक है? सच कहूँ तो आयशा अच्छी है, मुझे वो अच्छी लगती है। वो बस ऐसे ही हो गया। अच्छा तुम ये लो। तुम ये क्या लेकर आई हो? मैंने खाना पैक किया है ताकि तुम औरों के साथ बांट कर खा सको। देखो मैंने आयशा के लिए भी पैक किया है। तुम कहना मैंने बनाया है, ठीक है भाई? तुम बहुत प्यारी बहन हो। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तुम जानती हो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ। जानती हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करती हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। आयशा इनमें से एक ले लो। हाँ, ये तुम क्या लेकर आए हो? जूली ने ये हम सबके लिए बनाया है। हाँ? उसने तुमसे माफी भी मांगी है। आहा,
ये तो सारे मेरे पसंदीदा हैं। क्या जूरी ने इन्हें बनाने के लिए इतनी तकलीफ उठाई? इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। उसको इतना सब नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सब खा जाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये तो बिजली की तरह खा रही है। हमारे लिए कुछ नहीं है, सच में मैं भूखा हूँ। बिल्कुल है, तुम्हारे लिए मेरे पास है और वो ये रहा, ये हमारे लिए काफी है। वाह, ये वाकई स्वादिष्ट है। बिल्कुल, वो मेरी बहन है, जानती हो ना? हाँ? हाँ? ये कैसी आवाज है? वो वहाँ झाड़ियों से आई है, चलो। सोना, सोना, ये चिपचिपा गोंद है, कौन हो सकता है ये? जूली!